रही है लड़कियों में लड़कियों दिखाना, लड़की की क्या पावर, क्या पावर दिखाने लग रही है तू? मतलब तुम्हें छूट दे रही, तुम कुछ भी करोगे, ठगे किसने? कोमल समझ ना आया, क्या समझू? मैं भेज दूंगा तो, पर तुम आराम से तो बात करो। तुम तो मैंने क्या बोला था? मेरा काम टेलरिंग का है, बड़ी मुश्किल से तो कमा कमू के भेजू उसने, ये यहाँ ड्रामे कर रखे है। एवन क्या हाल चाल अभी सबके? तो भाई आज हमारे साथ ये भाई है, भाई भाई का नाम ऋषभ है और इसने इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करा, इंस्टाग्राम पे बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे पंजाब से था और यहाँ दिल्ली पढ़ने के लिए आया था, पढ़ने के लिए आया तो किसी लड़की के साथ भाई इसका मतलब अटैचमेंट हो गया, भाई रिलेशन चल गया, इनका रिलेशन चल गया। तो भाई अब ये बता रहा है कि वो मेरे को ठग रही है, ठग रही है। इसका मतलब कितने महीने हुए तेरे मतलब रिलेशन को? साल भर ही हो गया भाई, मतलब एक साल हो गया तेरे को दिल्ली आए, ठीक है। तो भाई इसने बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़की है, भाई पहले तो मतलब इतना अच्छा व्यवहार करते थे मेरे साथ, मतलब जो वो बोलती थी वो मतलब मैं करता था, जो मैं बोलता था वो करते थे, मतलब इतना अच्छा हमारा रिलेशनशिप चल गया था। क्या नाम उसका? कोमल। कोमल नाम है, अच्छा। क्या मतलब तेरे साथ ही क्या है? पढ़ाई करते मेरे साथ ही, स्टडी करते, कोचिंग में साथ ही है। अच्छा अच्छा, तो भाई मैंने पहले भी वीडियो बनाई इस तरीके की और उसमें बताया कि भाई मतलब रिलेशन में आ जाते हैं और फिर बाद में भाई लड़कियाँ मतलब एक तरीके से ठगने स्टार्ट कर देती है, हैं भाई तू ही बता दे एक बार जो भी तेरे साथ हो रहा है ना, हाँ वो बता। जो भी है बस कुछ नहीं, बस बात यही है कि मतलब हमारा रिलेशन एक साल का है, उस एक साल के बीच में मतलब पता नहीं ऐसा क्या हो गया। पहले हम लोगों का रिलेशन इतना अच्छा था कि मतलब जो मैं कहता था वो मेरी सारी बातें मानती थी, मैं बोलता था दोस्तों के साथ यहाँ नहीं जाना, नहीं जाती थी। और अब मैं सिर्फ किसी चीज़ के लिए टोकता हूँ तो मुझे बदतमीज से मुझसे बात करती है, पहले आप करके बात करती थी। अच्छा, अब तुम भी नहीं बोलती थी, बोलती है तुझे क्या लेना इन सब चीज़ों से, मैं सिर्फ किसी चीज़ के लिए टोकता हूँ तो मुझे उल्टा ही बोल देती है मैं। अच्छा, बहुत वही चीज़। तो भाई तो अब दिक्कत क्या आ रही है बता, अब मतलब वो क्या बोल रही है, किस दिक्कत प्रॉब्लम में क्या था? सारी दिक्कत ये है कि पहले रिलेशन हमारा बहुत अच्छा था, अब थोड़ा ख़राब हो गया। अब कुछ टाइम से वो मुझसे पैसों की डिमांड रखने लगी हैं, पैसों के लेके बोलती हैं कि मतलब मुझे इतने पैसे चाहिए, पहले 20,000 रुपये मांगे थे मुझसे भी। अच्छा ठीक है, उसके बाद दे दिए तुमने 20,000 रुपये? हाँ मैंने दे दिए थे, फिर 10,000 और मांगे, उसके बाद अब भी और पैसे मांग रहे हैं। अब बार अब वो क्या है कि पैसे मांगने से भी कोई दिक्कत नहीं है, वो बात भी नहीं करती है, बस फ्रॉडबाजी कर रही है। और मुझे कल रात मेरी उससे तो उसके घर पे बताना ये चीज़ें कि ऐसे ऐसे आपकी लड़की मेरे साथ मतलब पैसे वैसे मांग रही है। एक्चुअली क्या भैया, मैंने अपने घर में बता चुका हूँ। तो भाई तू उसके घर बताना या उसके मम्मी पापा को बता कि भाई आपकी लड़की ऐसे ऐसे मतलब मेरे से पैसे मांग रही है, तो आप एक बार देखो क्या जरूरत है इसको और क्यों नहीं बताता तू ये सब? भैया वो मुझे ब्लैकमेल कर देगा, तो मेरे मेरा मेरे आस पास भी आए, मेरे घर वालों के पास भी गया, तो तेरी मैं फ़ोटो वोटो उसके पास मेरी कोई कह रही तेरी फोटो ब्लैकमेल। तो भाई यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है कि मतलब रिलेशन में आ जाते हैं, रिलेशन में आए ज़्यादा टाइम नहीं, फ़ोटोज़ पहले क्लिक कर लेते भाई साहब ऐसे ऐसे। रिक्वेस्ट है भाई आप सभी से भी कि अगर आप भी रिलेशन में हो तो ऐसे मतलब फ़ोटोज़ मत क्लिक कराओ भाई जब तक आपकी शादी ना हो जाए, जैसे अब इनके साथ भी थ्री आपके साथ भी हो सकता है भाई ऐसा सब। तो कोई नहीं भाई, ऐसा है उसके घर बताऊँगे एक तो, ठीक है। अगर पहले तो उसको एक बार कॉल कर, कॉल करके डीडीए पार्क बोला, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर आती है भाई पार्क में तो भाई अच्छा खासा उसको एक्सपोज करेंगे, उसको समझाऊंगे और आप सभी को एक भी मतलब एक मैसेज मिलेगा। हेलो। हाँ हाँ कोमल, कहाँ पर हो आप? मैं भारी थी, बोलो। ओ अब तुम डीडीए पार्क मिलने आ सकते हो मुझसे? हाँ आ जाऊंगी। आ जाओ, मुझे ना तुमने पैसों के लिए कहा था ना, वो मैं ले आया। ले आया हो गए तुम पे? हाँ हो गए, बस तो वो पर तुम मेरी फोटो डिलीट कर दोगे ना? पर हाँ तू पैसे दे, मैं फोटो डिलीट कर दूंगी। तो आप आ जाओ फिर जल्दी। चल ठीक है, वेट कर, मैं आती हूँ। कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। ठीक है जल्दी आओ। ओके। 15 मिनट बोल रही है लगभग, शायद आधा घंटा भी हो जाए, बाकी मैं अभी छिपवा दूंगा भाई कैमरा, ठीक है। ये पेड़ है ना इसके पीछे, एक बात है अगर वो आ जाए ना बार बार ना पेड़ की तरफ मत देखियो तू, मतलब कैमरे की तरफ, ठीक है। अगर तू देखेगा तो उसकी भी नज़र उस तरफ चले जाओगे कि हाँ भाई उसको लगेगा कि कुछ ना कुछ है भाई। अगर उसने देख लिया था यार तो मेरे साथ मेरी गलती। अरे नहीं नहीं मैं भाई साहब यहीं देख साइड वाइड में घूमता मिलूंगा तेरे को, टेंशन मतलब उसको पता नहीं लगने दूंगा कि मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। इधर उधर का अभी भी बहुत पब्लिक घूम रही है तो ऐसे ही मैं घूमता रहूँगा और नोटिस करता रहूँगा कि मतलब तेरे साथ कुछ गलत ना हो,
ठीक है। बस एक रिक्वेस्ट है, जो बोले उसको बोलने देना, जो एक्टिविटी वो करे बस उसको करने देना वो, क्योंकि कैप्चर करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अगर उसमें कैप्चर होगा ना, हमारे पास एक प्रूफ हो जाएगा, फिर उसके घर वालों को भी बुलाऊंगे। अगर उसके घर वाले समझाएंगे उसको तो ठीक है, नहीं समझाएंगे तो भाई हम एक एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो भाई तब तक के लिए कैमरा साइड कर दो और लास्ट तक देखना वीडियो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, हाँ बोल, दे पैसे। कैसे? हाय, पैसे? पैसे तो नहीं लाया यार मैं अभी। तो किस लिए बुलाया? मैं बात करने के लिए आया हूँ। कौन सी बात? यार तुम जो ब्लैकमेल कर, तुम फोटो वोटो की बोल रहे हो यार, पैसे वैसे। भाई मेरे को पैसे चाहिए। देखो मेरी कमरे में बात सुनो, हाथ दूर रख, समझा? तुम मेरी यार, तुम समझो खुद यार, मैं अपनी फैमिली छोड़ के। अरे क्या समझू क्या समझू, मुझे पैसे चाहिए। मैंने तेरे को बोला था ना, मेरे को नीड है पैसों की। यार पैसों की नीड है, पर तुम समझो ना यार, मैं यहाँ तो कैसे रहता हूँ। मैं पार्ट टाइम जॉब मैं करता हूँ, जो मैं कमा रहा हूँ मैं सब तुम्हें दे दूंगा, तो यार मैं क्या रखूँ? तेरी फोटो दिखा दूँ? कर दूँ यार। दिखाओगे फोटो? यार तुम यार फोटो फोटो की बाबा क्यों बोल रहे हो? तो फिर मेरे को पैसे चाहिए यार, तुम फोटो दिखा के क्या कहना चाह रहे हो? तो पैसे चाहिए मेरे को। तो पहले मैं तुम्हें अभी कल पर पैसे तो तुमने बोला था ना मेरे को डिलीट कर देगी फोटो। मैंने बोला था कि हाँ डिलीट कर दूंगी, पर पैसे दे मेरे को। चिल्ला के रहो, आराम से बात करो। नहीं भाई, तो फिर फालतू का बुलाया, तो मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया मेरे को। यार तुम्हें बात तुम मुझसे कॉल पे भी कर सकता था। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ हटा। तुमने 20,000 रुपए भी तो मांगे थे मुझसे परसों, मैं तुम्हें दे तो दिए। तो मुझे अब भी चाहिए। और मैं कहाँ से लाऊं? मुझे नहीं पता, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, मुझे तू पैसे दे। पैसे किस चीज के दूं यार मैं तुम्हें, मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसे यार? मैंने तुझसे ये बोला था कि भाई मेरे को अभी पैसों की नीड है, मुझे पैसे दे दे। बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना यार, तुम समझ नहीं रहे। तुम मुझे भी यार, मैं क्या बोलूं यार, कॉलम मेरी बात समझो। अरे तू हाथ हटा, मुझे नहीं पता, पैसे ला के दे मेरे को। ठीक है, फालतू का टाइम वेस्ट करने के लिए बुलाया तूने मेरे को। यार तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो यार? अरे समझो ना, क्या समझू? क्या कोचिंग में ही मुझे फीस देनी पड़ती यार, मैं कुछ भी मुझे नहीं उस चीज से मतलब नहीं है। यार तुम्हें मतलब नहीं है तो तुम समझो ना, मैं कहाँ से दूंगा तुम्हें पैसे? क्या बात होगी मैडम? भाई कौन है ये? क्या बात होगी? भाई है मेरे। कौन भाई? कर दिया डिलीट। नहीं भाई, बोल रहे ब्लैकमेल करूंगी ये वो करने की पैसे। भाई तू कौन है? क्या बात हो रही है? अरे तू कौन है? हमारी आपस की बात है। आपस की बात नहीं मैडम, जो आप कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। ठीक है, क्या गलत? एक मतलब लड़कियों के ना ये जो भी कर रहे हो, मतलब और लड़कियों की इमेज खराब मत करो। ठीक है, अरे तू कौन है? मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती, मैं इससे बात कर रही हूँ, तू दूर रह मुझसे। कौन है ये? वो मेरा बंदा है। बंदा है तो बंदे को मतलब ऐसे कुत्तों की तरह रखोगे? अरे कौन सा कुत्ते की तरह रख दे, उसे पैसे ही तो मांगे मैंने, मेरे को नीड थी पैसों की। देख मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, ठीक है? मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। कौन है, किसको लेके आया तू? कोई भाई है मेरे। क्या भाई है? मैं हाथ मत चला मैडम, देख दूर होके बात कर तू मुझसे, जो भी कर रहे हो। देख थोड़ा दूर होके बात कर, ठीक है? तुझे पता है ना लड़कियों की चीजों की, केस लगवा दूंगी तेरे ऊपर, ठीक है? समझा? लगवाओगे मैडम? किस चीज का लगवाएगी? किस चीज का भी? तू थोड़ा दूर होके बात कर मुझसे, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करनी है। तू लेके किसको आया तू पहले बता। अरे कौन सा भाई? मेरी बात तो सुन, थोड़ा दूर होके बात कर मुझसे, समझा? उसकी चीजें तो है ही, ठीक है? कर दूंगी इसकी मैं वायरल। तो इस बंदे ने करा क्या, एक बार ये बता दे। अरे मेरा उसका आपस का मामला है, तू होता कौन है बोलने वाला? फोन देख बार। क्यों दूं? इसका डिलीट कर। अरे क्यों दूं? नहीं करती पैसे, मैंने से बोला कि पैसे दे मेरे को, मैं कर दूंगी डिलीट। तो कौन से मतलब तेरे घर में कुछ तेरे को इतनी भी वो नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं क्या नहीं? क्या तेरे बाप को पता है ये, तू ये सब कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है? अरे मुझे तुझसे बात नहीं करनी, समझा? नहीं करनी क्यों? अरे क्यों करूं मैं तुझसे बात? तू होता कौन है भाई? फोटो डिलीट कर दे। नहीं कर रही। मतलब बाहर जा रहा, तू ऐसे ठगेगी इसको? अरे ठगेगी? मैं उससे बात कर रही हूँ, समझा? उसका मेरा आपस का मामला। नहीं कर रही, चुपचाप है ना, देख दिमाग ना खराब कर। अरे मुझे तुझसे बात नहीं करनी, तू किसको लेके आया? अरे मेरे से बात करना है। हाथ दूर, समझा? तो दूर होके बात कर मुझसे। हाथ कैसे लगाया तूने मेरे को? फोटो डिलीट कर इसके जल्दी। हाथ कैसे लगाया तूने? नहीं कर रही मैं। अच्छा तू ब्लैकमेल कर रही है, तेरे को वो नहीं दिख रहा है? और तो ये तेरे मतलब से तो बात नहीं हो रही है ना, उससे बात कर रही हूँ ना मैं। तो गलत कर रही है, नहीं दिख रहा तेरे को? मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, समझा? बकवास मत कर, लड़कियाँ लड़की की तरह रह एक, ठीक है? तू भी जानता होगा लड़कियों की क्या चीज होती है, ठीक है ना? करवा दूंगी तुझे मैं अंदर, समझा? करा क्या प्रूफ है तेरे पे? क्या प्रूफ है? तो फिर दूर रह मुझसे, जब मेरा तेरा मामला नहीं है ना, उससे बात कर। मैं कराऊं बढ़िया तेरे। अरे तू जा। अरे किसको लेके आया तू?
भाई यार तू कोमल समझ ना क्या समझो, मैं भेज दूंगा ना तो, पर तुम आराम से तो बात करो। तुम तो मैंने क्या बोला था यार, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी तुम्हें? क्या गलती, मैंने तुझसे क्या बोला था? क्या बोला था तुझसे मैंने? मुझे पैसे चाहिए, समझा ना? और तूने अभी बोला था कि पैसे हो गए हैं, तूने मतलब इस चीज के लिए बुलाया था मेरे को? नहीं आप जो मैडम मेरी बात सुनो, मैं प्यार तो बोल रहा हूँ, प्यार तो बोल रहा हूँ, समझ जा, अब भी बोल रहा हूँ, ठीक है? जो तू कर रही है ना, तू होता कौन है बोलने वाला? मेरी मेरी बात एक बार, अरे हाथ हटा, पेड़ के पीछे कैमरा देख, पेड़ के पीछे कैमरा देख ले, ठीक है? और उसमें ना सारे करतूते वो हो रही है, इसके पास माइक लगा के जा रहा हूँ, और जो तू कर रही है ना, यो सारे करतूते हो रही है, मतलब तू कुछ भी करेगी, ये लड़का है, तू लड़की है, लड़की की मतलब पावर वगैरह है, कर ले जा, अब मैं बताऊंगा क्या कर। अरे भैया वो कैमरा बंद करवाओ तुम। नहीं मेरे सॉरी, तू क्या क्या बोल रही थी? अरे भैया कैमरा बंद करवाओ, केस करवाओगे हैं भैया? ये करेगी तू? अरे कैमरा बंद तो करवा, मैं बात कर रही हूं। तू बोल रही है लड़कियों में लड़कियों दिखाना, लड़की की क्या पावर, क्या पावर दिखाने लग रही है तू? मतलब तुम्हें छूट दे रही, तुम कुछ भी करोगे, ठगेगी इसने भैया? ये बेचारा पढ़ा ना यार, तू इसको ठगन लग रही है भैया? कैमरा तो बंद करो, क्यों कर कैमरा बंद है? तुम करो तो सही कैमरा बंद। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कर ले, मैं लड़की हूँ, मैं ये कर रही हूँ तो अगर पब्लिक को पता लगेगा तो दूसरी लड़कियों की भी बदनामी हो रही है मेरे उससे। अच्छा सॉरी, सब कुछ पैसा ना होता। कितने दिन तक थे भाई रिलेशन में? भाई एक साल से ऊपर हो गया। मैं एक साल हो गया रिलेशन को है, और तू अब यहाँ का पैसा मांगे एक साल होते? ऐसा इसके घर वालों को बोला? अरे नहीं 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 भैया, भैया सॉरी सॉरी ना, अपने घर वालों को बुला, मैंने नहीं पता, मैं तेरे घर वाला तो भाई साहब ऐसा है, उसमें कैप्चर हो रहा सब कुछ, जो ये हरकतें कर रही ना ये लड़की। अरे भैया सॉरी, ब्लैकमेल। अरे भैया सॉरी, अपने घर वाले ने बुला ले, दिमाग ना खराब कर, ठीक है? सॉरी भैया, ना ना हो रही है, कोई सॉरी वोरी नहीं भाई, बैठे आराम से अपने घर वाले। अरे भैया सॉरी, घर वाले ने बुलाओ, अभी अपलोड करूं यूं की यूं? नहीं हो तो वैसे सर्च कर ले, नाम सर्च कर ले यूट्यूब पे। अरे भैया सॉरी, किसी की सॉरी, यो बंदा इधर नहीं, यो बंदा बोल रहा सॉरी सॉरी, जब तेरे दिमाग में नहीं घुस रही है बात। अरे अब परेशान हो रहा है, यूं क्या लग रहा मैं प्यार करूं, तू ठगन लग रही है इसको? अरे मैं पैसे वापस, ये कौन सा प्यार भाई, कौन सा प्यार है यो? पैसे वापस का क्या करूंगा मैं यार, ये हरकत। अरे शर्माणी से करके रही हूं यार मैं, और मेरे को भी बोल रही है लड़की हूँ तो तेरे को भी फंसवाऊंगा, फंसा ले तू। अपने घर वाले ने बोला, अपने अपने पापा का नंबर दे मेरे को, पापा का नंबर दे, और कौन से दे अपने पापा का नंबर भाई, कैमरा चालू रख, इसके बाप ने बुलाऊंगा। A few moments later, ऋषभ ये क्या हो रहा है? क्या समझाऊं, क्या समझाऊं मैं तुझे? समझाओ तो, मैं कुछ नहीं समझा, तूने मेरी समझी? अच्छा सॉरी ना, नहीं नहीं नहीं, बात करो, हम निपटा तो रहे बातों को, घर तक की बात क्यों पहुंचा? घर तक की क्यों नहीं है, अगले की इज्जत तक की बात होगी, तू घर तक की बोल रही है? अच्छा भैया सॉरी, मैं माफी तो मांग, नहीं नहीं बहन देख मेरी बात सुन ले, यो बंदा इतना परेशान होता, परेशान नहीं होगा मेरे पास आया, यो ऋषभ समझाओ ना तुम, समझा। अरे भाई की तमाशा बना रखा है ये, कौन है पापा? पापा इसके खड़ा हो, ड्रामा ही अंकल जी, मना करा था फोन। अच्छा, और ये बंदा है, ये पंजाब का आ रहा है ये भाई। अच्छा। एक साल हो गया, और देखो मैं बोलना तो नहीं, ये दोनों रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप में चल हो गए, तो आपकी लड़की अब कुछ मतलब फोटोज थे वो लेकर इस लड़के ने परेशान करने लग रही है, और ये बेचारा मतलब बहुत परेशान होगा, मेरे तो इसने बताई है, मैंने आज थोड़ा सा मतलब जो करके कैमरा लगवा कर इसके ये करतूते कैप्चर कर ली, और पैसे पैसे मांग रही है अब, ये काम करने के लिए भेजा था तेरे को पढ़ाई करने, कौन से पैसे, किस चीज के पैसे, कहाँ लगा रही है, पूछो। पैसे तो हम भेज रहे तेरे को वहाँ से पढ़ाई के लिए। क्या करते अंकल जी, क्या करते आप? मेरा काम टेलरिंग का है, बड़ी मुश्किल से तो कमा कमू के भेजू उसने, ये यहाँ ड्रामे कर रखे है के, सॉरी बोरी ये काम सॉरी क्यों हुआ है जी, मैं आवे तेरे कान पे धर दूं, इस काम के लिए भेज रखा अंकल जी, एक फोटो से पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेज रखा है, यहाँ यहाँ ड्रामे सुनने मिल रहे हैं हमने, वहाँ की इज्जत रहेगी। अगर मैं अगर कम मेरे को यूं बोली कि तेरे को नहीं पता लड़कियों की पावर रहेगी, पड़ोसी सुनेंगे क्या कहेंगे कि मारी छोरी ये ड्रामे कर रही है वहाँ है, यही हम सुनने को मिलेंगे, हमारी जिंदगी तो अब यही कामों में निकलेगी बस, यहाँ तुम अपनी ऐसी तैसी कराने लग रहे हैं यहाँ पे अंकल जी, करता तो मेरा तो मैं तो समझा बहन की तरह समझाने की कोशिश कर रहा था इसने, लेकिन मेरे को खुद बोली यूं बोली कि तेरे ऊपर केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, अब पता नहीं क्या कर देगी, क्या तीर चला देगी वहाँ। एक फोटो है जिसके फोन, फोटो जिसके फोन में, वो डिलीट करवा दो, नहीं रहे ना फोटो, डिलीट करवा दो जी,
फोन में फोटो डिलीट कर इसको, लो खोल दे इसका, लो लो ड्रामा खा का ड्रामा। आदमी सोच रहा है हम अपनी छोरी पढ़ाने लग रहे, अरे यहाँ को और कुछ और ही ड्रामा सुनने मिल रहा है। और तेरा छोटा भाई क्या सोचेगा, पड़ोसी क्या सोचेगा, गूगल फोटो जो रिश्तेदारी में, तो मैं तो जी समझा लग रहा था, मैं बहन की तरह समझाऊंगा, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। किस चीज की सॉरी बहन, एक बार ये बता दे मेरे को, किस चीज की सॉरी, ड्रामा तो सारा रच दिया, सॉरी करूं मैं, मतलब ये बंदा पढ़ने के लिए आया, तू इसके पैसे ले रही है 30,000 रुपए का, इसके पैसे वापस करने पड़ेंगे, कहीं खोता नहीं दिए कुछ बनवा लिया जेवर वेवर, पता नहीं जी कहाँ तक के कर रहा है, उन पैसों का क्या कर रहा है पूछ लो। आज भी 20,000 रुपए मांग रहे थे मुझसे, तो ये किस बात के, क्या करेगी उसका, गूगल फोटो जोर खोल इसके, मैं गूगल फोटो जो डिलीट कर दूं, इसमें ना मतलब आधा घंटा मेरे दूर रहूंगा, ठीक है चल चल इसमें कर ले चल। अंकल जी समझा दिया, एक बढ़िया तरिया कद है, चिंता ना कर मैं समझा दूंगा, और इसके पीछे पीछे भी मिल जाएगा तेरे, इस मेरी बात सुन लो, इसके पैसे ले रही है, पैसे तो पैसे का क्या करना है, अरे पैसे भी मिल जाएंगे, पूछ तो लो उससे कितना रखे उसने, आप तो बाजल ना करे हो, अरे मतलब आप तो साइड ले ना करो, एक तरीके से आपने समझानी चाहिए, जो गलत काम करेगी उसको गलत तरीके से लूंगा, फिर इसके पैसे तो दिला दो, पंजाब तो आ रहा है, मैं इससे पूछूंगा ना कहाँ धरे हैं उसने, कोई जेवर बनवाया क्या कराया उसका, उससे लेकर दूंगा, मैं घर आऊंगा आपके, जाओ ठीक है मैं घर ही आऊंगा। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है अभी सबके, तो भी कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, कमेंट करना भाई हमें क्या क्या बोलना चाहिए था और हमने ठीक किया या नहीं, और ये वीडियो भाई सिर्फ एक एक्ट है भाई, हमने सिर्फ मैसेज के लिए वीडियो बनाई है कि भाई मतलब कुछ ना रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और रिलेशन में आते ही मतलब कुछ ऐसे ऐसे पिक्चर क्लिक कर लेते हैं कि भाई बाद में उनको परेशानी होती है, तो मेरा यही है कि भाई मैसेज यही है कि भाई जब तक आपकी शादी ना हो जाए तब तक भाई ऐसे मतलब पिक्चर क्लिक मत कराओ जिससे आपको प्रॉब्लम हो बाद में, और ये वीडियो को शेयर करना था कि भाई हर लड़के के पास चले जाए, यहाँ पर इंस्टाग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे फॉलो कर लो, और सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई आप सब, क्योंकि हमारे 3 लाख की फैमिली होने वाली, तो जल्दी से 3 लाख की फैमिली करवा दो और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ।